अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 10 स्कैन एफ फंक्शन, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्कैन एफ फंक्शन की, ये क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सी लैंग्वेज में इसका क्या रोल है। हम इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैन एफ फंक्शन की, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। याद रखिए, टिप के तौर पे बता रहा हूं, जहां पे भी इनपुट, जहां पे भी यूजर, जहां पे भी टेक और गेट के वर्ड्स होंगे, वहां पे आमतौर पे इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ टिप के तौर पे बता रहा हूं, वहां पे हम आमतौर पे इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, सी के प्रोग्राम की स्टेटमेंट में इनपुट, यूजर, गेट या टेक के वर्ड्स नजर आए, तो वहां पे आप याद रखिएगा कि हमने यूजर से इनपुट हासिल करनी है और इस मकसद के लिए हम स्कैन एफ का फंक्शन मोस्टली यूज किया करेंगे। इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है इन स्पेसिफाइड फॉर्म और इन स्पेसिफाइड पैटर्न। वो कैसे स्टोर की जाती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेरिएबल के मुतल्लिक अगर आपको समझ ना आ रही हो तो चैप्टर नंबर 9 में हमारा थर्ड और फोर्थ लेक्चर है, आप उसको सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको उस चीज की समझ आ जाएगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप आसानी वहां से इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कैन एफ फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और स्कैन एफ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको समझने से पहले हम बात करते हैं इसके जनरल सिंटेक्स की। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका जनरल सिंटेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। लिखा जाता है स्कैन एफ, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखनी होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में मोस्टली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करना होता है, जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, और बाद में हमने वेरिएबल को इस्तेमाल कर देना होता है। एंड पे सेमी कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम हर हिस्से को अलहदा अलहदा डिस्क्राइब करके यहाँ पे देखेंगे कि कब किस चीज को और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमने सबसे पहले बात की थी फॉर्मेट स्ट्रिंग की, तो मैंने बताया था फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहलाती है। और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर क्या चीजें लिखी जाती हैं, टेक्स्ट हम उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं और मोस्टली एस्केप सीक्वेंसेस लिखे जाते हैं। सो ये तीनों चीजें लिखी जा सकती हैं। टेक्स्ट में हमारे पास कोई भी मैसेज जिसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिखा जा सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम आमतौर पे जिस वेरिएबल को हमने डिस्प्ले करवाना होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसके मतलब समझ ना आ रही हो तो इस चैप्टर में थर्ड लेक्चर है फॉर्मेट स्पेसिफायर, आप उसको सुनिएगा। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग को या उसके फीचर्स और फंक्शंस को वर्कबिलिटी और रीडेबिलिटी में एक्सटेंड करने के लिए आमतौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो स्केप सीक्वेंस के ऊपर है, आप उसको बआसानी वहां से सुन सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेफरेंस ऑपरेटर की, तो रेफरेंस ऑपरेटर बेसिकली मेमोरी सेल को रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एड्रेस ऑपरेटर है जो मेमोरी सेल्स को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 9 में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन लेक्चर्स सुनने हैं ताकि आप आसानी वेरिएबल के कंसेप्ट को समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से इसको सुन सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर थ्रू द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के जरिए से जो भी डेटा एंटर करते हैं एज ए इनपुट, हम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करते हैं रन टाइम के दौरान। ये याद रखिएगा, जब हम रन टाइम के दौरान कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वेरिएबल्स के अंदर ही जाके स्टोर होती है। ईच वेरिएबल रिफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन, हर वेरिएबल एक मेमोरी सेल को रिफर कर रहा होता है। हमने बात की थी जो सिंबल रेफरेंस का है या एंड का, जो सिंबल नॉर्मली हम उसे लिखते हैं, वो सिंबल मेमोरी लोकेशंस और वेरिएबल की वैल्यूज को इंडिकेट करता है। दिस सिंबल इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल इन विच द इनपुट इज स्टोर्ड। हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके, हम इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में इसको हम एम्परसेंड कहते हैं, लेकिन यहां हम इसे या तो रेफरेंस ऑपरेटर कहेंगे या इसे एड्रेस ऑपरेटर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्कैन एफ को हम अब एग्जाम्पल में, रियल इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं कि ये कैसे अपना रोल प्ले करता है।
सिंगल इनपुट अगर हमने हासिल करनी हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्कैन एफ, उसके बाद हम डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लिखा, और उसके बाद हमने रेफरेंस ऑपरेटर वेरिएबल एम लिखा। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करके दिखाता हूं। हमने एक वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ एम, उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा एंटर योर मार्क्स, स्कैन एफ के अंदर हमने इस एम वेरिएबल को इस्तेमाल कर दिया। अब यूजर यहां पे कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे एंटर कर सकता है। याद रहे यहां पे जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होनी चाहिए ताकि ये प्रोग्राम स्मूथली रन कर सके। इसके बाद अगर हमने मल्टीपल इनपुट हासिल करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जितने ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल करना चाहें उतने हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी डिफाइन करना पड़ेंगे। जैसे हमने स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने मार्क्स वेरिएबल के लिए मार्क्स वेरिएबल लिखा, ग्रेड वेरिएबल के लिए ग्रेड लिखा, और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एवरेज लिखा। सो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और इस प्रोग्राम की रियल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं तो वो किस तरह होगा, स्क्रीन पे आपको मिसाल से ये चीज नजर आ रही है, आप वहां से देखें आपको आसानी इस चीज की समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपने इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने की कोशिश की होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज जिसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिखें ताकि फर्दर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आप इसके अलावा मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।